बक्सर शहर के यमुना चौक के समीप सुबह युवक का शव देखा गया। शहर की घनी आबादी के मध्य शव मिलने की बात सनसनी की तरफ फैल गई। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा और अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे। जांच में देखा गया कि मृतक के शरीर पर सिर्फ पैंट है, एक दो जगह चोट जैसे निशान थे, लेकिन जिस खंडहर नुमा मकान में शव पड़ा था वहां अक्सर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। पुलिस को शक है कि यह भी नशे का आदि होगा, लेकिन उसके परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। मृतक की पहचान अखिलेश कुमार गुप्ता उर्फ गंगू गुप्ता, पिता घनश्याम प्रसाद, पिता का बहुत पहले देहांत हो गया है, निवासी सोनीपट्टी का रहने वाला है। मृतक दो भाई तीन बहन है, उसकी शादी 2015 में दिनार में हुई थी। एक बेटा भी है 7 वर्ष का। माता प्रभावती देवी शिक्षिका थी। मृतक के भाई अभिषेक ने बताया कि उसकी हत्या किया गया है, जैसे उसके शरीर पर निशान है, वो देखकर स्पष्ट लग रहा है कि उसे नशे देकर मारा गया है। वो बाहर में काम करता था, कुछ ही दिन पहले घर आया था, वो भी नशा का आदि था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूछने पर नगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि पुराना चौक के समीप शव बरामद किया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी, उसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। परिजनों से भी पूछताछ हो रही है। वह घर से कब और किसके साथ निकला था, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि जांच में कोई गुंजाइश न रहे। सिटी न्यूज बक्सर से राज रंजन की एक रिपोर्ट। सूचना मिला कि एक डेड बॉडी है आर के ज्वेलर्स के और मंजिंगा के बगल में खंडर में, तो वहाँ जाकर देखा गया और उससे करवाई है तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पहचान हो पाई है? हाँ, अखिलेश है, बता रहे हैं कि भाई आए हुए थे, उर्फ गंगू नाम है इनका, हम बेक्सर नगर सोनीपट्टी से। हत्या का प्रथम दृष्टया क्या वजह लगा? परिजनों द्वारा मारपीट के आरोप लगाया है। उनको मार कर वहीं पर मार दिया गया है, ईंटा पत्थर से मार दिया गया है, पूरा बॉडी में चोट का निशान है, रीढ़ का हड्डी भी टूटा हुआ है। और ये कल परसों से निकले हुए थे और कल घर नहीं आए। आज सुबह में सूचना मिला कि जगह एक लड़का मृत पड़ा हुआ है, जाके देखे तो वो मेरा भाई था। और पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरा जो है देखे, खंगाले और जांच करके दोषियों को सजा दें। क्या नाम था इनका? अखिलेश कुमार नाम था। आपको कितने भाई बहन हैं? दो भाई, हम छोटे हैं, वो बड़े थे। अच्छा, बहन भी आपको होती है? बहन है, तीन बहन है, उनका लड़का भी है। अच्छा, शादी हो गया था क्या? शादी हो गया था। शादी कब हुआ था? शादी 2015 में हुआ था। कहाँ शादी हुआ था इनका? दिनारा। कितने साल का बेटा है इनका? बेटा इनका 7 साल का है। अच्छा, आप पिताजी और माताजी? पिताजी हमारे डेथ कर गए हैं 2000 में। माताजी हैं जो शिक्षिका थी, रिटायर होकर घर पे हैं। अच्छा, ये क्या करते थे? कुछ काम भी करते थे? बाहर सिकंदराबाद काम करते थे, बावर्ची का काम करते थे। तो बक्सर में आए थे क्या? बक्सर में अभी हाल ही आए थे, कालीमा का पूजा से पहले आए थे। बताया जा रहा कि नशा के इनको? हाँ, नशा ड्रग्स भी लेते थे शांति नगर सब। आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार, सोनीपट्टी का रहने वाला है और हमारे क्षेत्र के वो भगीना है। हत्या का वजह क्या लग रहा है? अब तो यहाँ हमको लगता है कि मारपीट करके यहाँ ठिकाना लगा दिया गया है, सुना सुना जगह है, वही लगता है कि मारपीट के कहीं ले आके यहाँ। किसके घर के बताया जा रहा है लड़का है? वो एक प्रभावती देवी प्रधानाध्यापक थी, उन्हीं का पुत्र है छोटा वाला। ये किस मोहल्ले में रहता था? सोनीपट्टी में। सोनीपट्टी में रहता था। नशा भी करता था क्या? हाँ, लोग बता रहे हैं कि नशा का आदमी मारपीट की वजह से लग रही है। हाँ, कुछ हुआ।